यार देखो, पढ़ाई जब कर रहे हो तो उसके बीच में दूसरी चीज़ें मत लाया करो। क्यों ना लाया करो, हम उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, हम ये नहीं कहते पढ़ाई एक बहुत बड़ी तपस्या है कि तुम्हें 24 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। हम यहाँ पे बड़े एग्जाम की बात जब करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसके बीच में तुम कुछ और चीज़ें ना लाओ। जैसे कि मान लो तुम UPSC की तैयारी कर रहे हो, IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, या IPS, जिसकी भी तैयारी तुम कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिलेबस एक तो बहुत बड़ा है यार, तो उसके बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचता होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास टाइम बच भी रहा है तो हम ये चाहते हैं कि इसको तुम किसी दूसरी एक्टिविटी में मत लगाओ। दूसरी एक्टिविटी का मतलब ऐसी है, ये एक्टिविटी जिसमें तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है उनमें ही मत लगाओ ये, ठीक है। अब देखो, हम तुम्हें बताते हैं होता क्या है। एक मिनट कुछ बदलते हैं। हाँ ये ठीक है। जब तुम किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो वो एग्जाम तुमसे डिमांड करता है 24 घंटे का डेडिकेशन। 24 घंटे का डेडिकेशन का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटे तुम किताबें पढ़ते रहोगे। 24 घंटे के डेडिकेशन का मतलब यार ये है कि तुम जब 24 घंटे उस चीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, उससे बाहर मत निकलो। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, खासकर UPSC की तैयारी कर रहे हो, तो उसके बीच में किसी भी तरीके का एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारी हॉबी हो सकती है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें गाना पसंद है, 1-2 घंटे तुम गा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। गिटार बजाना पसंद है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, बिल्कुल बजा सकते हो। जिम जाना पसंद है, 2 घंटे के लिए जिम जा सकते हो। वो सारी एक्टिविटी जो तुम्हारी स्किल को डेवलप करेंगी, वो सारी स्किल जो तुम्हारे अंदर कुछ नया ऐड करेंगी, वो सब बेस्ट है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो तुमसे सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए तुम कर रहे हो, वो गंदी है। अब देखो, तुम जब गिटार बजा रहे हो तो वो तो इंटरटेनमेंट हो गया, नहीं, वो एक स्किल है जो तुमने सीखी और तुम उस पर काम कर रहे हो, तो उसमें तुम्हारा ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है, जब जब भी तुम पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई 24 घंटे की होती है, क्योंकि जो चीज़ तुमने पढ़ी है उसको यहाँ पे रखने के लिए परमानेंट तुम्हें उस जोन में रहना पड़ता है। अगर तुमने UPSC वालों को देखो क्या करते हैं वो लोग, पहली बात तो 10-10 15-15 घंटे उसी में लगे रहते हैं। उसके बाद उनका जो उनके पास जो टाइम होता है वो जाता है किसमें, सोने में, खाने में, इन्हीं सब में चला जाता है। तो उनके पास दूसरी एक्टिविटी के लिए टाइम होता ही नहीं है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एक क्लास देख रहे थे किसी की, ठीक है, क्लास चल रही थी, तो उसमें पेड कोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे वो, तो उन्होंने कह दिया कि इतने बजे से क्लासें होंगी। तो एक नीचे कमेंट आया, UPSC की तैयारी कर रहा था, कह रहा भैया कि इस दिन तो मतलब जिस भी टाइमिंग में आपकी क्लास है, दोनों टाइम पे तो IPL के मैच होते हैं। हम समझ गए ये सिर्फ टाइम पास करने आए हैं, बस और कुछ नहीं। तो बस ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए अभी के लिए क्या जरूरी है। तो 24 घंटे की पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, और 24 घंटे की पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि 24 घंटे किताबें खोल के बैठे रहो। 24 घंटे की पढ़ाई का मतलब ये होता है कि 24 घंटे तुम्हें उस जोन में रहना पड़ेगा। किस जोन में, कि मतलब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें समझनी है। अब तुमने 8 घंटे पढ़ाई करी, ठीक है, 7 घंटे तुम सो लिए होगे, 15 घंटे, 4 घंटे चाहिए तुम्हें डेली के काम करने के लिए, खाना नहाना ये सारी चीज़ों में 4 घंटे चाहिए, कितना हो गया 19, 4-5 घंटे और बचते हैं। तो इन घंटे जो 4-5 घंटे बचे हैं, इनमें 1-2 घंटे अपनी हॉबी के लिए हो गए, और बाकी का टाइम इसी चीज़ को जो तुमने पढ़ा उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने के लिए। तो तुम्हारे पास टाइम बचा कहाँ? और इसके बाद भी अगर तुम 6 घंटे का IPL देख रहे हो तो समझ लो कितना टाइम बचा तुम्हारे पास। अगर तुम 6 घंटे का IPL देखे हो, इसका मतलब तुमने अपनी नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद तुमने दूसरी चीज़ क्या कर दी, अपना जो सिलेबस था वो जो जो तुमने पढ़ा है मैच के चक्कर में, वो भी तुम भूल गए। माही मार रहा है, वो मार के चला गया, उसका काम हो गया भाई, ठीक है, उसने अपना लाइफ में बहुत बेहतरीन कर डाला है। अब तुम क्या कर रहे हो? इसलिए हम ये कहते हैं कि 24 घंटे में एंटरटेनमेंट मत ऐड किया करो, अपनी एक्टिविटी कुछ जरूर ऐड कर लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। गिटार दौड़ना तुम्हें पसंद है, 2 घंटे दौड़ाओ जाके। जिम पसंद है, 2 घंटे जिम कर लो दबा के, जो करना है वो कर लो, लेकिन एंटरटेनमेंट को बीच में मत लाओ। अब कोई मूवी जैसे आती है, जैसे कि केरला स्टोरी आई, इसमें कुछ नई चीज़ें थी, तो वो तुम देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्यार मोहब्बत वाली मूवी मतलब कि नहीं तुम्हारे। राम राम, जय हिंद।